फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग असुस ZenFone Max M2 का डिवाइस यूज करते होंगे तो यहां पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि Max M2 के लिए Android 10 का एक और नया अपडेट आया था। जी हां दोस्तों, यहां पर बेटा 2 अपडेट आया था Asus ZenFone Max M2 के लिए। तो दोस्तों, यहां पर कई लोगों ने तो इसको अपडेट कर लिया था Android 10 बेटा 2 का अपने Max M2 में। तो यहां पर अपडेट करने के बाद कौन सी चीज अब हमें देखने के लिए मिलती है, कौन से यहां पर नए बग्स है और कौन सी चीज अच्छी है यहां पर, तो दोस्तों कई दिन हो गए हैं आप इस डिवाइस में एंड्रॉयड 10 बेटा 2 यूज करके। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या हमें ये बेटा 2 यूज करते रहना चाहिए या फिर हमें डाउनग्रेड कर लेना चाहिए। डाउनग्रेड किस कर तरीके से करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हो जेटेक लैब। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैक्स M2 के लिए पहले भी एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ चुका है जिसमें आपको एंड्रॉयड 10 का बेटा 1 का अपडेट देखने के लिए मिला था और इस बार जो देखने के लिए मिला था वो बेटा 2 था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है दोनों ही अपडेट में। सारी ही चीजें आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिली, कोई डिफरेंट नहीं है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा UI की स्टेबिलिटी की थोड़ी सी अगर बात करें हम तो बेटा 1 के मुकाबले ठीक है इस अपडेट में। यहाँ पर मैं अब बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कौन से ऐसे बग्स हैं जिसके चलते आपको डाउनग्रेड कर लेना चाहिए अपना डिवाइस। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ सबसे पहला बग तो वही सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग का इशू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों को मतलब चार्जिंग का इशू बहुत हो रहा है। अब चार्जिंग का इशू क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, आपका डिवाइस चार्जिंग स्लो होगा। जी हाँ, यहाँ पर किसी किसी का डिवाइस 4 घंटा ले रहा है फुल चार्जिंग होने में, किसी किसी का डिवाइस 5 घंटा ले रहा है, किसी किसी का 6 घंटा ले रहा है। जो लोग ओरिजिनल चार्जर यूज़ करते हैं, जिन लोगों का ठीक ठाक डिवाइस अच्छा खासा है, उनमें भी अगर 5-5, 6-6 घंटे का चार्जिंग टाइम लेगा दोस्तों, तो ये अपडेट का बहुत ही बड़ा बग है। इसको तो जल्द से जल्द फिक्स कर लेना चाहिए और मेरे ख्याल से कोई इस अपडेट को यूज़ नहीं करेगा इसी प्रॉब्लम के चलते। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बग नज़र आया है चार्जिंग का, और ये Asus ZenFone Max M2 के जितने भी लोग यूज़ करते उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं दूसरी बात करूँ, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, स्मूथनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोई यहाँ पर उसके मुकाबले तो कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है यहाँ पर। लेकिन अगर आप बात करोगे, जैसे ही अगर आप अपडेट कर लोगे एंड्रॉयड 10 बेटा 2 का, तो यहाँ पर जो ऐप ड्रॉवर खोलोगे वहाँ पर जो सर्च बार का ऑप्शन मिलता है वो नॉच के नीचे ढक जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई लोग ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, किन किन को नहीं पड़ी, जिन लोगों को पड़ी यार मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इसका जो कैमरा है M2 में एंड्रॉयड 10 बेटा 2 अपडेट के बाद कैमरे में क्या इंप्रूवमेंट किया है। तो मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है कैमरा में, जैसा बेटा 1 में था उससे थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा फर्क किया गया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों यहाँ पर M2 में कैमरे के रिगार्डिंग। तो कैमरे में दोस्तों क्वालिटी जैसी थी पहले भी वैसी ही है, ऐसी कोई इंप्रूवमेंट खास की नहीं गई है इस अपडेट के बाद। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर मिसिंग भी है इस कैमरे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फीचर आपको कम देखने के लिए मिलेंगे जो कैमरे में देखने के लिए मिलते थे। अगर आप एंड्रॉयड 9 यूज़ करोगे तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ एंड्रॉयड 10 बेटा 2 से भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा उस अपडेट में। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात की बात करूँ, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन बार में जाते हो तो कोई कोई चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं करती। जैसे कि आपने अगर समझो हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, अगर हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो वहाँ से बराबर वर्क नहीं करेगा, कभी कभी तो वो शो ही नहीं होगा हॉटस्पॉट। मतलब इस तरीके की नोटिफिकेशन बार में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को हुई है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके किसी डिवाइस में ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो आप भी मुझे ज़रूर बता देना। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग बेटा 2 का इस्तेमाल कर रहे हो आपके डिवाइस में तो यहाँ पर आपको हीटिंग इशू ज़रूर देखने के लिए मिल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हीटिंग इशू अभी भी वैसी ही है। मैंने भी ये नहीं सोचा था दोस्तों कि बेटा 2 में हीटिंग इशू देखने के लिए मिलने वाली है, इसको तो तुरंत फिक्स करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो जिसके चलते ये अपडेट आप मेरे ख्याल से अगर यूज़ कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो यार आप बिंदास इसको इस्तेमाल करो, अपडेट नहीं कर डाउनग्रेड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे यहाँ पर तो जितने भी Asus के फ़ैन हैं वही एक ही चीज़ उनसे मांगते रहते हैं कि भाई हमें नेटिव वीडियो कॉल दे दो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने तो अपने डिवाइस के लिए कभी भी Asus से नहीं मांगा, क्योंकि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी दोस्तों कि हम लोगों को कभी यहाँ पर नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी अपडेट में, कोई भी अपडेट में आप उम्मीद मत रखना कि आपको नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कभी नहीं मिलने वाला है दोस्तों।
इसलिए उम्मीद छोड़ देना। अगर ना ही दोस्तों यहाँ पर कैमरा में आपको स्लो मोशन भी देखने के लिए मिलने वाला है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अब मैं बात कर देता हूँ बैटरी ड्रेनिंग की इशू। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अभी भी ये बग है, इसको अभी भी यहाँ पर फिक्स नहीं किया है। यहाँ पर बैटरी ड्रेन की इशू अभी भी हो रही है। एक तो डिवाइस चार्जिंग होता है, चार्जिंग होने में काफ़ी स्लो चार्जिंग हो रहा है, 4 या 5 घंटे लग रहे चार्जिंग होने में। ऊपर से दोस्तों अगर डिवाइस को यूज़ करोगे नॉर्मली तरीके से तो ड्रेन भी बहुत जल्दी हो रही है। तो दोस्तों फिर मतलब ये अपडेट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे साफ साफ बोल देता हूँ, इतने सारे जो बग्स हैं अगर आपके डिवाइस में फेस करने पड़ रहे हैं, खास करके चार्जिंग इशू और बैटरी ड्रेनिंग इशू, तो आपको मेरे ख्याल से डाउनग्रेड कर लेना चाहिए। कम से कम एंड्रॉयड 9 में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी, अगर मिली भी तो इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको बेटा 2 में मिलेगी। और जिनको काफ़ी अच्छा अपडेट लग रहा है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर डिवाइस में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, किसी डिवाइस में सारी चीज़ें फिक्स होती है, किसी डिवाइस में आधी चीज़ें फिक्स होती है। तो यहाँ पर जिनको ठीक ठाक लग रहा है अपडेट, तो आप वहीं रुकिए, आप उसको इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए, मज़ा उठाइए। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है आप डाउनग्रेड कर सकते हो। डाउनग्रेड कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको SD कार्ड की ज़रूरत लगेगी। और दोस्तों डाउनग्रेड के लिए आपको असूस की साइट पे अपने डिवाइस के लिए डाउनग्रेड की फाइल मिल जाएगी, आपको वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है, SD कार्ड में कॉपी कर लेनी है। मतलब मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रख दी है दोस्तों, अगर आप चाहो तो आई बटन में जाकर वहां से वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, शायद आपको सारा समझ में आ जाए किस तरीके से डाउनग्रेड करते हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर रिकवरी का भी काम है, रिकवरी मोड में जाकर आपको SD कार्ड से वो फाइल सिलेक्ट करके वहां से डाउनग्रेड करना पड़ेगी। यहाँ पर आपका डेटा लॉस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों डाउनग्रेड में डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए बैकअप भी ज़रूर लेके रख लेना अपने डेटा का। किसी किसी डिवाइस में एयरप्लेन मोड भी काम नहीं कर रहा है, मतलब और भी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं अगर बताने जाऊँ शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने मेन मेन चीज़ आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई बग नज़र आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो के नीचे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, फ्री में होता है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है यार, सब्सक्राइब कर लो। कोई नई अपडेट डिटेल आएगी तो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिलेगी।